दोस्तों मैं अमित यादव। दोस्तों आईपीएल का 13वां सीजन शुरू हो चुका है। सीजन के पहले मैच में चेन्नई ने मुंबई इंडियंस को 5 विकेट से हराया। पूरी दुनिया इस मैच को देख रही थी क्योंकि इस मैच में एक साल बाद महेंद्र सिंह धोनी मैदान पर लौटे थे। हालांकि धोनी इस मैच में ऊपरी क्रम में बल्लेबाजी करने नहीं आए जिससे प्रशंसकों को निराशा हुई। फैंस धोनी की बैटिंग करते देखना चाहते थे। आपको बता दें कि धोनी जुलाई 2019 से क्रिकेट के मैदान से दूर थे और उन्होंने अपनी वापसी पर कई रिकॉर्ड बनाए। रविंद्र जडेजा के आउट होने के बाद सभी को उम्मीद थी कि धोनी बल्लेबाजी के लिए मैदान पर पहुंचेंगे, लेकिन उन्होंने सैम करन को भेजकर सभी को चौंका दिया। जब सैम करन रन आउट हुए तो धोनी बल्लेबाजी करने मैदान पर पहुंचे। पहली गेंद पर धोनी को अंपायर ने आउट किया, लेकिन धोनी ने DRS लिया और जिसके बाद अंपायर को अपना फैसला बदलना पड़ा। धोनी बिना कोई रन बनाए मैच में नाबाद लौटे। धोनी के मैदान पर देर से आने के कारण पता चला है। खबर के मुताबिक धोनी को पीठ में दर्द था जिसके कारण वह निचले क्रम में बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरे। उसी समय उन्होंने दाएं और बाएं हाथ के बल्लेबाजों के संयोजक को बनाए रखने के लिए सैम करन को मैदान में भेजा। बता दें कि मैदान में प्रवेश करने से पहले धोनी को अपनी पीठ पर फिजियो का छिड़काव करते भी देखा गया था। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी अपनी टीम के साथ अभ्यास कर रहे हैं। आपको बता दें कि धोनी को सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर माना जाता है, यही कारण है कि वह कप्तान कूल भी कहे जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कैप्टन कूल का गुस्सा भी बहुत खतरनाक है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के साथ साथ धोनी एक IPL स्टार भी हैं। धोनी की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स ने 3 बार IPL का खिताब जीता है। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और हाँ, यदि फेसबुक पर हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को लाइक करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।